नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में होने वाले इस साल पंचायत चुनाव को लेकर लगातार अपडेट जारी हो रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में पंचायतों को लेकर एक बार फिर से बड़ा फैसला सामने आया है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग लगातार अपडेट जारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से भी अपडेट जारी किया जा रहा है। पिछले दिनों बिहार कैबिनेट की बैठक में पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या फिर दुर्घटनाओं या फिर अन्य कारणों से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि दिए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्वाचन कर्तव्य में प्रतिनियुक्ति कर्मियों की मृत्यु या फिर अपंगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि में वृद्धि होगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस की वजह से कर्मी की मौत होने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना से लड़ाई को लेकर 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे कोरोना नियंत्रण को लेकर आवश्यक सामग्री की भी खरीद की जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुए एक और अहम फैसले में कहा गया कि सभी 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसलिए पंचायत सरकार भवन का डिजाइन पूर्व में ही तैयार कर लिया गया है। इस भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोरेज, पंचायत स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कंप्यूटराइज सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र, स्टोर, पेनल्टी एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि इसका उपयोग बहुउद्देशीय होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इन भवनों के निर्माण बाढ़ एवं आपदा के उपयोग के लिए किया जाएगा। यह भी कहा गया कि पंचायत सरकार का भवन 2 मंजिला होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 5920 वर्ग फीट का होगा। विश्व बैंक संपोषित बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत बिहार के 12 परियोजना जिलों में बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। 330 पंचायत सरकार भवनों के कार्यान्वित, 302 पंचायत सरकार भवनों में से 260 का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बाकी बचे 42 पंचायत सरकार भवनों को पूरा करने के लिए 35 करोड़ की आवश्यकता आंकलित की गई है। आपको बता दें कि विश्व बैंक संपोषित परियोजना 30 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई है। ऐसे में बिहार सरकार ने बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत बिहार के 12 परियोजना जिलों में बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी द्वारा निर्माण कराए जा रहे 330 पंचायत सरकार भवनों में से अब तक अपूर्ण पंचायत सरकार भवनों को पूर्ण कराने हेतु योजना मद में 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति का प्रदान किया है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से ठीक पहले नीतीश कैबिनेट का यह फैसला कई मामलों में अहम माना जा रहा है। जिस तरह से बिहार में बजट सत्र के दौरान पंचायतों को पैसे का आवंटन किया गया था, इससे जीतने वाले प्रत्याशियों के मन में अपनी पंचायत के विकास को लेकर योजना बनाने का पूरा समय मिल गया है। पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम में राजनीति तेज हो गई है। उम्मीदवार मतदाताओं के पास अपने वोटों और चुनावी घोषणा पत्र के साथ पहुंच रहे हैं। वर्तमान में उम्मीदवार और मतदाता के मन में इस बात की चिंता है कि बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।